दोस्तों अगर आप भी मैच के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शाहिद अफरीदी का बेतुका बयान, आईसीसी पर भारत का पक्ष लेने का नया आरोप, इंडिया बांग्लादेश मैच को लेकर कही यह बात। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल पर भारत का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। अफरीदी ने कहा कि आईसीसी भारत को सेमीफाइनल में पहुँचाने की कोशिश में लगी हुई है। अफरीदी का यह बयान भारत का बनाम बांग्लादेश मैच के बाद आया है। इस मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 रन से हराया था। अफरीदी ने भारत बनाम बांग्लादेश मैच का जिक्र करते हुए आईसीसी के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक पाकिस्तान चैनल को बातचीत में कहा, आपने देखा कि एडिलेड का मैदान कितना गीला था, इसके बावजूद मैच को फिर से शुरू कराया गया। ऐसा लग रहा था कि आईसीसी भारतीय क्रिकेट टीम का साथ दे रही है। काउंसिल चाहती है कि भारतीय टीम किसी भी तरह बस सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अफरीदी ने कहा, मुझे लगता है कि आईसीसी की तरफ से टीम इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है। अंपायर भी वही थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान मैच में अंपायरिंग की थी। उन अंपायर्स को बेस्ट अंपायर्स का अवार्ड दिया जाएगा। अफरीदी के बयान से साफ दिख रहा है कि वह भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा पुख्ता करने और पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की बौखलाहट आईसीसी पर उतार रहे हैं। दलील पर खड़ा है कि भारत अगर अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीधे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। इन दोनों में से किसी एक के हारने पर ही पाकिस्तान की उम्मीद जग पाएगी। ऐसे में शाहिद अफरीदी इससे नाराज है और अपने टीम के प्रदर्शन की निंदा करने के बजाय कहीं और निशाना साध रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने रहते पाकिस्तान की टीम कभी किसी भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को नहीं हरा सकी। पहले भी अफरीदी भारत को लेकर ऐसे बेतुके बयान देते रहे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 6 नवंबर को आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से टॉप पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।